आप सबको प्रणाम साहिब बंदगी। गुरुदेव जी का आगामी कार्यक्रमों की जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, कहाँ कहाँ कब कब किस तरीके से होगा और आपको अपडेट किस तरीके से मिलता रहेगा। पूज्य श्री गुरुदेव जी का आगामी कार्यक्रम अब दीपावली के बाद में उत्तर प्रदेश में पहला कार्यक्रम सीतापुर जिले के महमूदाबाद में 8 और 9 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद में फिर वहां से संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में 11, 12 और 13 तारीख को कार्यक्रम है। 14 तारीख को एक दिन का यात्रा है। 15 और 16 को बाराबंकी जिले के उधवापुर गांव में है। उसके बाद में फिर गुरुदेव का कार्यक्रम बाराबंकी जिले के एक और दूसरे गांव में है, सिरौली के पास में। फिर इसी तरीके से गुरुदेव का कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश के और अलग अलग जगहों में लगा हुआ है। लेकिन आपको कार्यक्रम की परफेक्ट जानकारी, वहाँ के आयोजक कौन है, वहाँ का नंबर क्या है और वहाँ का कार्यक्रम का समय क्या है, ये पूरी जो जानकारी विस्तार में आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए संत श्री असंगदेव जी, उससे मिलेगा, या वेबसाइट www.asangdev.com से मिलेगा, या कि फिर आपको वहां पे भी अगर नहीं जा सकते, वहां नहीं देख सकते, तो आप अपने जो YouTube चैनल है, जो चैनल है गुरुदेव संत श्री असंगदेव जी का, उसको सब्सक्राइब करके उसका बटन आइकन दबा दे रहो, तो उसकी कम्युनिटी में आपको मैसेज के तौर पे गुरुदेव के हर एक आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो हमारे जो नंबर है ये 9516262222, 9516268888 या 9516261111 पे। फिर ये उत्तर प्रदेश में पूरा नवंबर का कार्यक्रम है। 3 और 4 तारीख से राजस्थान प्रवेश कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम कोटा जिला का प्रेमपुरा गांव में होगा 3 और 4 दिसंबर को। अब उसके बाद में हम पूरे राजस्थान और पूरे मध्य प्रदेश की तारीखें और गुजरात की तारीखें लगा रहे हैं। सबसे बातचीत चल रही है, सबका तारीख क्रमवार लग रहा है। आपकी भी अगर इंटरेस्ट हो कि मैं गुरुदेव का अपने गांव में कार्यक्रम कराऊं, अपने एरिया में कार्यक्रम कराऊं, तो आपको बिना देरी किए हमारे नंबर में फोन करके बात करना है, अपना बुक करा देना है और आपके और हमारे समय को मिलाते हुए आपका तारीख को फिक्स कर लिया जाएगा। कार्यक्रम का खर्चा वगैरह का जो व्यवस्था है आपकी अपनी बजट के अकॉर्डिंग, अगर आपका जैसा बजट होगा उसके अकॉर्डिंग 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जैसा आप कार्यक्रम करना चाहें और जैसी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग कार्यक्रम में खर्च की व्यवस्थाओं को कर लिया जाएगा। कार्यक्रम की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, टेंट की, पंडाल की, मंच की, माइक की, जनरेटर की, कैमरा की, कुर्सी की, गद्दा की, बिछावन की, या कि प्रचार प्रसार की, गुरुदेव के संतों के ठहरने के सारे जो गद्दे बिछावन साथ में भोजन बर्तन इत्यादि पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरा कंप्लीट A to Z 99% व्यवस्था साथ में ही आएगा, जिससे आपको किसी भी तरीकार से कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। आपको जो संत महात्मा गुरुदेव आएंगे उनके लिए राशन पानी भोजन इत्यादि की प्रबंध करना है, रुकने ठहरने के लिए जो भी 2-4-5 रूम की जो जरूरतें होंगी उनको आपको पूरा करना है, चाहे कोई खाली मकान हो या कोई पंचायत हो या स्कूल हो या कोई धर्मशाला हो या कोई अच्छा सा जो मैरिज लॉन वगैरह होता है उन टाइप का, या अगर कोई अच्छा खाली घर हो, जिस टाइप का कुछ अच्छी व्यवस्थाएं जो आपके गांव की अपने क्षेत्र की जो आप सहजता पूर्वक आसानी से कर सकते हैं उसको आप मैनेज करेंगे और गुरुदेव आएंगे और इस तरीके से आगामी गुरुदेव का आपके यहाँ भी सत्संग हो सकता है। तो गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों का अपडेट्स को पाते रहने के लिए आप हमारे नंबरों में फोन भी कर सकते हैं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके वहां से भी ले सकते हैं, मोबाइल स्टोर से भी ले सकते हैं या कि फिर वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और यदि अधिक और जानकारी आपको चाहिए तो बस नंबर में फोन कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी जरूर मिलेगी। और इसके बाद फिर गुरुदेव का जो अगला कार्यक्रम है वो जनवरी तक मध्य प्रदेश तक में एंड करके फिर फरवरी छत्तीसगढ़ में होगा। और छत्तीसगढ़ वालों से आग्रह है कि आप अपना कार्यक्रम अभी से बुक करा लें। फिर छत्तीसगढ़ के बाद में पूरे मार्च और पूरा अप्रैल, ये 2 माह बिहार और झारखंड के लिए आरक्षित हैं। तो बिहार और झारखंड के पूरे सभी भक्तगण तैयार रहें, मार्च और अप्रैल की अपनी तारीखें अभी से बुक करा करके अपना तारीख सेट करा लें। छत्तीसगढ़ के भक्त लोग फरवरी के लिए अपना तारीख सेट करा लें। मध्य प्रदेश राजस्थान वाले लोग दिसंबर और जनवरी के लिए
अपनी तारीखें फाइनल करा लें और उत्तर प्रदेश को फिर से जो टाइम मिलेगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसको जो टाइम मिलेगा अगला वो है मई और जून। तो ये इतना इस तरीके से हमने समय को बांटा है आप लोगों के लिए, इस तरीके से आप लोग कार्यक्रम करा सकते हैं। वैसे बंगाल को भी हम लोग साथ में लेंगे, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है उसको ये हम बिहार के साथ में लेंगे अप्रैल और मार्च के महीने में। तो मार्च और अप्रैल के लिए ये तीनों स्टेट्स तैयार रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के साथ हम उड़ीसा नज़दीक है, ये फरवरी में हम छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा को भी ले सकते हैं। तो उड़ीसा में अगर आप हैं तो आपको फरवरी में कार्यक्रम आयोजित करना होगा। तो इस तरीके से पूरा जो है समय का विभाजन किया गया है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय के अकॉर्डिंग। तो आप अधिक जानकारी के लिए गुरुदेव के प्रोग्रामों के लिए तत्काल फोन करें। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। और गुरुदेव के चैनल का प्रचार प्रसार जरूर करते रहें, गुरुदेव के वाणियों का प्रचार प्रसार जरूर लोगों तक पहुँचाते रहें, करते रहें, ताकि उनके घरों में सुख शांति और समृद्धि जरूर आए। आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।